Today we will do integration of the form px upon ax plus b raised to power n. Here this n belongs to any integer, should be power हो सकती है आपके पास, और numerator में कोई भी polynomial हो सकता है, whether it is linear, quadratic, cubic, कोई भी power का polynomial हो सकता है. Here, but आपके पास इस type का question है. Let's start this question. Integration of x cube by x plus 2 raised to power 4 dx. देखो करना क्या, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. आपके पास न्यूमरेटर में x क्यूब बाय इधर x प्लस 2 रेज टू पावर 4 है. एक काम करते हैं, न्यूमरेटर में x क्यूब को इस टाइप से लिख लेते हैं. सेम काम करने के लिए x प्लस 2 रेज टू पावर 4. नाउ a माइनस b होल क्यूब फॉर्मूलाइज a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास x प्लस 2 रेज टू पावर 4. इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए देखना क्या आ गया आपके पास, x प्लस 2 होल क्यूब माइनस a माइनस माइनस प्लस 6 x प्लस 2 रेज टू पावर 2 प्लस 3ab स्क्वायर 12 x प्लस 2. यहाँ माइनस 2 नहीं आएगा क्योंकि हम नेगेटिव से. और एक काम करते हैं, इसी स्टेप के अंदर डिनोमिनेटर हर टर्म को दे देते हैं. Here also and here like this. सिंपल सी फॉर्म बनने वाली है अब हमारे पास. फ्रॉम हियर वी गेट राइट एज एक्स प्लस टू होल क्यूब जे वी गेट 1 बाय एक्स प्लस टू डी एक्स. सबके साथ अलग अलग से डी एक्स लगा देते हैं. माइनस ए 1 बाय एक्स प्लस टू की पावर 4 डी एक्स माइनस 6 1 बाय एक्स प्लस टू की पावर 2 डी एक्स एंड हियर प्लस 12 इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस टू की पावर 3. सिंपल सा क्वेश्चन बन गया ना. 1 बाय एक्स प्लस टू डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में एग्जिस्ट कर रहा है, हमने पढ़ा हुआ है. इफ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर एग्जिस्ट इन न्यूमिनेटर देन योर आंसर इज लॉग मॉड बी एक्स प्लस टू माइनस ए. इधर हमारे पास क्या आएगा, एक्स प्लस टू रेज टू पावर माइनस 4 प्लस 1 बाई माइनस 4 प्लस 1 माइनस 6 एंड हियर वी गेट एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 2 प्लस 1 बाई माइनस 2 प्लस 1 एंड हियर 12 एक्स प्लस 2 रेज टू पावर माइनस 3 प्लस 1 बाई माइनस 3 प्लस 1 लाइक दिस. सो हियर वी हैव आंसर इज लॉग मॉड में एक्स प्लस 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 बाय 3 1 बाय एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 3 माइनस माइनस प्लस 6 1 बाय एक्स प्लस 2 की पावर 1 प्लस 12 माइनस 2 माइनस 6 1 बाय एक्स प्लस 2 रेज टू पावर 2 और सबके नाम का अकेला सी. तो इस टाइप से आपने ये क्वेश्चन को करना है. आज भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से करते हैं इनको. तो आज नेक्स्ट क्वेश्चन इज आप यहाँ पे बाइनोमियल्स का रूट भी लगा सकते हैं.
एंडेज भी किया होगा। क्लियर। नेक्स्ट करते हैं हम, डिनोमिनेटर में है 2x माइनस 1।
वही सेम टर्म लीनियर रूट की टर्म साथ में मल्टीप्लाई हो रही है डिवाइड में, लीनियर है अगर दोनों लीनियर है तो हम चेंजेस ला सकते हैं। कैसे लाएंगे ये सेम ऊपर बनाते हैं, टू एक्स से मल्टीप्लाई, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड, फिर क्या करना है वन ऐड कर देते हैं, वन सेपरेट कर देते हैं, आपके पास कितना आ गया टू एक्स माइनस वन प्लस थ्री, और डिनोमिनेटर दोनों टर्म को दे दो ठीक है, ये ब्रैकेट यूज करो। अब देखिए आपके पास क्या टर्म बन गए, यहाँ पे क्या रहेगा टू एक्स माइनस वन की पावर वन बाई टू डी एक्स, क्लियर, वन ए पावर वन बाई टू माइनस हो जाएगा प्लस थ्री टू एक्स माइनस वन की पावर माइनस वन बाई टू डी एक्स, क्लियर। अब इंटीग्रेट कर दें इसको, क्या रहेगा आपके पास वन बाई टू इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का आप सिंबल लिए जाना ब्रैकेट लगाइए टू एक्स माइनस वन रेस टू पावर थ्री बाई टू बाई थ्री बाई टू इंटू में एक्स का कोएफिशिएंट इज टू एंड हियर वी हैव प्लस थ्री इंटू टू एक्स माइनस वन रेस टू पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन इज वन बाई टू, सेम पावर नीचे और एक्स का कोएफिशिएंट साथ में प्लस में सी। तो ये आपके पास क्या आ गया सिंपल सा रिजल्ट आ गया जिसमें आपने क्या किया, अगर आपके पास लीनियर के साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है लीनियर या डिवीजन में है लीनियर तो आपने इनको ऐसे सॉल्व कर, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं हम dx, साइन स्क्वेयर एक्स का स्क्वेयर इंटू में dx,
फॉर्मूला लगा दिया cos square, अगर यहाँ 2x आएगा तो यहाँ 4x आ जाएगा, क्लियर? अब करें काम, अब देखिए क्या बनेगा आपके पास, 1 plus 1 by 2 is 3 by 2, 1 by 4 बाहर है, 3 by 2 into dx, ठीक है, plus 1 by 2 इंटीग्रेशन cos 4x dx माइनस 2 cos माइनस 2 बार cos 2x dx. अब सिंपल हो गई इंटीग्रेशन सारी. आपके पास सारी इंटीग्रेशन सिंपल हो गई. अब देखिए क्या इंटीग्रेशन है कि आपके पास 1 by 4 बार है, आपके पास 3 by 2x 1 by 2 cos theta is sin 4x by 4, 4 to the 8, minus 2 sin 2x by 2 plus c. Done? तो ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन था, पावर 4 थी तो डरने की जरूरत नहीं है, हमारे पास फॉर्मूलाज हैं. वो बात अलग है, आपने दोबारा फिर से फॉर्मूला को यूज किया, ठीक? और देखते हैं कोई क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है. आपने बहुत